वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज सेकंड डे है जोधपुर में। पहले वाले दिन मैंने बताया नहीं कि मैं जोधपुर में क्या करने आया हूँ, क्यों बैठा हूँ यहाँ पर जोधपुर में। आज मैं बताऊँगा क्या करने आया हूँ, क्या नहीं करने आया हूँ, और बाहर जाऊँगा तब पता चलेगा क्या करना। और अभी मैं नहा लिया, धो लिया, तैयार हो गया, कपड़े वगैरह पहन लिए मैंने। थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे बाहर, तब मिलेंगे आपको। अभी न्यूज़ देखी है, न्यूज़ में बोल रहे हैं कि एनकाउंटर कर दिया है, वो रेप हुआ था हैदराबाद में, कोई उनका एनकाउंटर कर दिया है चारों जनों का, चार रेपिस्ट का एनकाउंटर किया है पुलिस ने। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप अपनी आवाज़ उठाए रखें। अभी तक कानून लागू नहीं हुआ है, अभी भूल जाओगे चार पाँच दिन में कि वो एनकाउंटर कर दिया, उनको सजा मिल गई, मर गए, वह हो गया, काम खत्म। वो नहीं होगा, नहीं ऐसे। जब तक स्टिक कानून नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आवाज़ को इसी तरह उठा के रखे, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अभी मैं अपने रूम के जस्ट बाहर का व्यू बताता हूँ आपको कैसा है। मेरे को हंसी आ रही बताने में भी। ये रूम के बाहर का व्यू, जिसमें आगे कच्चे गंदी तवा लटके हुए सूख रहे हैं। अभी हम लोग खाना खाने के लिए आए हुए जोधपुर में, हमारा धर्मशाला के जस्ट सामने खाना मिलता है। खाना खा लिया है, अभी जाएंगे जोधपुर सिटी में शॉपिंग करने के लिए। इनकी शादी है भैया की, अभी मैं शांति से इसलिए बैठा हूँ क्योंकि इधर हल्ला नहीं करना। गए होटल के रूम में और अब बहुत थक गए हम लोग। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो एकदम से होटल में कैसे आ गए, एंड कैसे हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ, जब फैमिली साथ में होती है ना तो फिर व्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस टाइम मैं शॉपिंग करने गया था, तब मेरे भैया साथ में थे, मैंने आपको बताया था वैसे व्लॉग में, पहले आया हुआ मेरे। तो उस टाइम भैया ने मेरे को बोला कि ट्रैफिक है, वीडियो बंद कर तेरी। अब उनको कौन समझाए कि ब्लॉक करना ज़रूरी है, समझे नहीं। उन्होंने बोला बंद कर ट्रैफिक में, ऐसे अभी कितने लगेगा, तो मैंने बंद भी कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कपड़े पहन के बात करता हूँ एक मिनट। Oh, oh, oh.
थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे मार्केट कपड़े लेने फिर से, और अभी बज रहे 8:45, 1 घंटे बाद जाएंगे, पहले तैयार होके बैठ गए ऐसे, चाय वगैरह पियेंगे अभी, नाश्ता वगैरह करेंगे। और आज थर्ड डे है हम लोग, आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से जोधपुर बैठे, 3 दिन बैठे शॉपिंग करे, 3 दिन से ऐसे नहीं बैठे 3 दिन। और मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी रास्ते पर आपको आर्मी की गाड़ी दिखे तो उसके पीछे बार बार हॉर्न ना बजाए, एक दो बार बजा दे वो सुन लेंगे, साइड देनी है तो अपने आप दे देंगे, वो साइड में चलते अपनी, आपको खुद को साइड कैसे लेनी वो देखना पड़ता है, वो अपनी साइड में अपने लाइन में बराबर चलते हैं। और कभी भी कोई आर्मी वाले देखे होटल वगैरह में, उनके पास ज़्यादा बैग हो तो उनकी हेल्प भी करे, वो बैग वगैरह उनके टैक्सी में पहुंचा दे, हेल्प करे उनकी और उनको सैल्यूट भी करे, यही कहना था बस। अभी जा रहे हैं मार्केट, मार्केट में जाके मिलेंगे आपको। ये ब्लॉग में झमेला ही झमेला है क्योंकि तीसरे दिन भैया नहीं आए, तो वो ब्लॉग भी अभी ऐड कर दिया यहाँ पर, और अभी चौथा दिन स्टार्ट होगा, उसमें भी मैंने कुछ खास क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किए, अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये ब्लॉग पूरा मिक्स हो गया, मिक्स 3-4 दिन का मिक्स हो गया कुछ पता ही नहीं चल रहा कब कहाँ कौन जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके बताओ आप लोग, तो देखते जाओ आगे आगे होता क्या है देखो। यो माय बडीज, कैसे हो? आज है चौथा दिन जोधपुर में, पहले 3 दिन तक, तीसरे दिन का जो व्लॉग था उसमें सिर्फ इंट्रो बताया था मैंने और कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके बाद हम लोग मेरे भाई का वेट कर रहे थे जो 4 बजे के आसपास आया था, तो बहुत वेट किया, 4 बजे आया तो जल्दी जल्दी में थे हम लोग और मैं व्लॉग नहीं कर पाया तीसरे दिन। आज चौथा दिन है और आज हम रवानगी करेंगे जोधपुर से जैसलमेर। अभी खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे फिर से मार्केट, 2-3 बजे के आसपास हम लोग रवाना हो जाएंगे जोधपुर से जैसलमेर के लिए। तो मिलते हैं अभी, कभी भी जब वीडियो बनाऊंगा तब मिलेंगे। अभी आ गए पोकरण, और पोकरण कैसे है ये कहानी मैं घर पे जाके बताऊंगा, क्यों मैंने शॉपिंग की वीडियो क्यों नहीं बनाई ये सब मैं घर पे जाके वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले दिन की मैंने बना ली थी शॉपिंग की, लेकिन दूसरे दिन की भी बनाई थी, पहले दिन की तो मैंने बनाई नहीं, दूसरे दिन की शॉपिंग की वीडियो बनाई, पहले दिन तो हम लोग जाके रेस्ट किए थे, दूसरे दिन शॉपिंग की थी उसकी बनाई थी, तीसरे दिन बनाई नहीं, चौथे दिन आज भी नहीं बना पाया, क्यों नहीं बना पाया वो वीडियो में देखो। इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि फैमिली थी साथ में, और फैमिली के साथ में व्लॉगिंग करना बहुत ऐसा मतलब ऑकवर्ड फील होता है उस टाइम। मैं किसी के भी सामने व्लॉगिंग कर सकता हूँ मैं, लेकिन फैमिली के सामने पता नहीं क्या हो जाता है, व्लॉग कर ही नहीं पाता, कुछ दिमाग में पता नहीं क्या चलता है कि अभी फैमिली होती तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मन होता है, तो व्लॉग करने की इच्छा ही नहीं हुई उस टाइम। मार्केट गए सब साथ में गए थे मार्केट में, और बस चिल मार रहे थे उधर, और क्या करें, तो व्लॉग नहीं कर पाया। अभी व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि संडे को आएगा 11 बजे। हर संडे को 11 बजे मैं न्यू व्लॉग डालता हूँ, मैं मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स को बता रहा हूँ, और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मेरे, मन खुश हो गया मेरा। तो नेक्स्ट संडे को शायद से न्यू ईयर वाला व्लॉग आ सकता है, शायद, पक्का नहीं बोल सकता मैं अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।